एसएसटी एक्ट संशोधन में बिना जांच गिरफ्तारी के विरोध में सवर्ण समाज की आवाज उठा रहे भागवत प्रवक्ता देवकी नंदन शर्मा अब कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए जनता से सुझाव मांगे हैं। सरकार की ओर से सकारात्मक पहल न होने पर नाराजगी भी जताई है। मांग न मानने पर अखंड भारत मिशन की आगामी रणनीति को लेकर सर्व समाज से राय मांगी है। उन्होंने एक्ट संशोधन का विरोध कर रहे लोगों से मिलकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। अखंड भारत मिशन के अध्यक्ष देवकी नंदन शर्मा इन दिनों अमेरिका में कथावाचन कर रहे हैं। वह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में लौट रहे हैं। सोमवार को उन्होंने अमेरिका से फेसबुक लाइव पर कहा कि सरकार सवर्ण समाज की SC/ST संशोधन विरोधी आवाज को दबा रही है। मिशन के सचिव विजय शर्मा ने बताया कि देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में लोग एवं संगठन लगातार संपर्क कर रहे हैं। वे आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के पक्ष में हैं। उम्मीद है कि सरकार जनभावना को समझकर निर्णय लेगी। दिसंबर में 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर RSS देवकी नंदन शर्मा के माध्यम से दलितों को अलग थलग करना चाहती है, जिससे हिंदू वोट यूनाइट किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में SC/ST तथा OBC लोगों ने इससे पहले ही ब्राह्मण उम्मीदवारों को वोट न देने का फैसला किया।